अंजू के अपने घर से निकलने का एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब अंजू अपने घर से निकली तब उनके हाथ में सूटकेस था। सूटकेस को गार्ड के पास रखा और फिर वापस अपने घर गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर से निकली और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली। अंजू ने वीडियो संदेश भी जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि वो 2-3 दिन में हिंदुस्तान वापस आ जाएंगी। इसी बीच नसरुल्ला ने भी दावा किया कि अंजू सिर्फ उनकी दोस्त है। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर से पूरे राजस्थान में खलबली है। अलवर में उनके पड़ोस में रहने वाले सभी लोग सदमे में हैं। अंजू के पड़ोसी का कहना है कि वो पाकिस्तान से वापस भारत आ जाएंगे। अंजू एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। 2 साल पहले ही उसने पासपोर्ट बनवाया था और 21 जुलाई 2023 को वो इसी पासपोर्ट से पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू के पाकिस्तान जाने से उसके परिवार के साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी सदमे में हैं। दोनों भिवाड़ी में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। अंजू के पाकिस्तान चले जाने से उनके ससुराल वाले बेहद परेशान हैं। हालांकि उनका कहना है कि अरविंद 10 सालों से गांव नहीं गए, लेकिन उनके घर की बहू पाकिस्तान चली गई है तो उन्हें भी चिंता है। अंजू के पति अरविंद के गांव में उनके बचपन के दोस्त ने दावा यह किया है कि अरविंद के दादा परदादा ने धर्म परिवर्तन किया था और ईसाई धर्म को अपना लिया था। जबकि अरविंद और अंजू की शादी काफी सालों पहले हुई थी और अंजू के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। अंजू के मामले में पाकिस्तान की पुलिस का बयान सामने आया है। पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया कि अंजू ने भारत में अपने पति से तलाक ले लिया है। अंजू के परिवार ने दावा किया है कि अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी और वो करीब 3 साल से व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान के एक आदमी के संपर्क। वहीं पाकिस्तान की मीडिया का दावा तो यह है कि अंजू पाकिस्तान में बहुत खुश है। वो अपने प्रेमी के साथ सगाई करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है। तो सीमा हैदर और सचिन की जो प्रेम कहानी है वो किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी जैसे दिखाई देती है। नए नए किरदार इसमें जुड़ते चले जाते हैं और वो फिल्म या फिर वो कहानी कहे और भी ज्यादा रोमांचक होती चली जाती है। नई नई जानकारी सामने आती है और सबसे ताजा अपडेट जो जांच पड़ताल में सामने आया है वो ये है कि सीमा हैदर ने पूरे प्लान के तरीके से पहले इस बात की रिसर्च की थी कि कैसे अगर उसको हिंदुस्तान जाना है तो कौन सा रूट हो सकता है, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो सुरक्षित होंगे और कौन से ऐसे होंगे जहां पर उसे रोका जाएगा, उससे पूछताछ की जा सकती है और उसी के अकॉर्डिंग जो प्लान है वो सीमा हैदर की तरफ से बनाया गया। आपको मैं बताऊं क्योंकि इस वक्त मैं सचिन के घर के बाहर ही मौजूद हूं। जो पड़ोसी आसपास में रहने वाले लोग शायद सचिन से कभी बात भी नहीं करते थे, आज पूरे गांव से दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जो कहानी है सबके लिए बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प के साथ साथ सवाल भी बहुत सारे हैं जिनका जवाब इस वक्त जांच एजेंसियां तलाश रही है। अपडेट ये भी है कि यूपी एटीएस एक बार फिर से सीमा हैदर को ले गई है, लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये भी है कि आखिर सीमा हैदर ने इतना बड़ा प्लान कैसे बनाया। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं।